ऑल राइट, सो आपने टॉपिक पढ़ लिया, मेन बात पे आते हैं। तो देखो, इस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है। ओके, एक वाइफ अपने देवर से तब मेंटेनेंस ले सकती है, उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी तब जाके। ओके, अब ये नहीं है कि अब हर वाइफ अपने देवर से मेंटेनेंस मांग रही है, ओके, या फिर सोच रही है ऐसा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए मैं आपको एक केस समझाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एक फैमिली थी, उसमें दो भाई रहते थे। ओके, दो भाई रहते थे, दोनों भाई एक किराना स्टोर चलाते थे, यानी कि एक शॉप चलाते थे अच्छी बड़ी। ओके, तो उनका बिजनेस था। तो उसमें से क्या हुआ, कुछ समय बाद जो भाई है उसकी डेथ हो गई, यानी कि जो देवर है वो बचा, वो अनमैरिड था। ओके, वो अनमैरिड था, तो जो भाभी है वो अकेली रह गई, उसके बच्चे अकेले रह गए। अब जैसे ही उसकी डेथ हुई, उसके हस्बैंड की डेथ हुई, तो उसको घर में थोड़ा ट्रीटमेंट ऐसे ही करने लग गए, उसको घर से भी निकाल दिया, उसके बच्चे को भी ट्रीट नहीं करते थे। ओके, क्यों, क्योंकि उसको हिस्सा देना पड़ता, खाना खिलाना पड़ता। देखो ये सब चोचले होते हैं, ठीक है, सबको पता है। ओके, तो क्या हुआ, वाइफ ने 125 किया कि भाई मेरे को खर्चा दिया जाए। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई कंडीशन देखो यहाँ पे क्या है, भाई वाइफ के जो हस्बैंड था उसकी पार्टनरशिप थी, यानी कि उसका काम था, शेयर्ड बिजनेस था। ओके, तो दोनों भाई चलाते थे। ओके, अब क्या हुआ, अब एक भाई के पास आ गया सारा बिजनेस, तो उसमें से तो उसका राइट बनता है ना। ओके, तो देखो कुछ बिजनेस होना चाहिए और एक ही छत के नीचे होने चाहिए आप, और डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि घर में आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, एक ही घर में रहना चाहिए, एक ही छत के नीचे, और थोड़ा शेयर्ड होना चाहिए बिजनेस में, तब जाके आप मेंटेनेंस ले सकते हो। ओके, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि भाई आप एक वीडो हो, ओके, और आपके जो हस्बैंड का कुछ बिजनेस था आपके देवर के, तो आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, यानी कि कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और देखो क्या होता है, अब क्या होता है, जो छोटे मोटे वकील होते हैं ना, उनको पता नहीं होता, यानी कि उनको अथॉरिटी पता नहीं होती। ओके, अब सपोज आपने केस डाला इस बेस पे, अगली पार्टी बोलती है भी ऐसा नहीं हो सकता, तो जो ये वाली पार्टी है ना जिसने केस डाला, वो क्या कर सकती है, वो अथॉरिटी दिखा सकती है। इसको हम अथॉरिटी बोलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है, तो तुम्हारी क्या औकात है। ओके, तो भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम छोटी कोर्ट हो, तुम्हारी क्या औकात है, तुम ऐसा डिसीजन दे सकते हो। ओके, तो वो चेंज हो जाता है, यानी कि गेम चेंज हो जाता है, क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। ओके, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसी कंडीशन है तो आप अप्लाई कीजिए। तो मैं आपको फिर से एक बार कंडीशन बता देता हूँ, कंडीशन ये, शेयर्ड बिजनेस होना चाहिए, यानी कि शेयर्ड बिजनेस होना चाहिए। ओके, और शेल्टर होना चाहिए एक ही छत के नीचे, और डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि भाभी देवर, ये तो देखो डोमेस्टिक यानी कि घर के। अब ये नहीं है कि कोई भाई के बुआ का लड़का, या फिर चाचे के लड़का, या फिर कुछ दूर का रिलेशन नहीं होना चाहिए। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर।